वेलकम एवरीवन, मैं आज आपको न्यू चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का जो है इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को भी सॉल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में देखते हैं, ठीक है, कि पहला जो आता है वह है कर्व्स। कर्व्स होता क्या है, जिसको कर्व कहते हैं, वक्र, रेखाएं। ओके, तो बताया गया कर्व के बारे में कि ए प्लेन कर्व इज द कर्व दैट लाई इन द सिंगल प्लेन और प्लेन सरफेस लाइक पेपर। ए प्लेन कर्व में बी क्लोज और ओपन। कर्व जो होती है, ठीक है, वो एक प्लेन पर कोई सिंगल अगर सरफेस पे अगर एक लाइन खींची जाती है, ठीक है, चाहे लाइन कैसा भी हो उसे कर्व कहा गया है। कर्व जो होती है ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है। क्लोज हो गया जो बंद रहेगा और ओपन हो गया जो खुला हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम ओपन और क्लोज कर्व्स की बात करेंगे, ठीक है, और कुछ सिंपल और कॉम्प्लेक्स कर्व की यहाँ पर बातें करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, ये बनाया हुआ जो है ये क्लोज कर्व है। क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट पे जाकर वो मिक्स हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ऐसे कर्व को क्लोज कर्व कहा जाता है। क्लोज कर्व जो हो गया वो पूरी तरह से बंद होगा, पूरी तरह से बंद होगा, तो बंद वाली आकृति जो लाइन से घिरे होगी उसे आपका क्लोज कर्व कहा जाता है। यहाँ पर एक और फिगर है जिसको सिंपल क्लोज कर्व कहा जाता है। आप किसी तरह का भी ड्रॉ कर दीजिए, आपका एक आकृति बन जाएगा और ऐसे को सिंपल कर्व, क्लोज कर्व कहा गया। लेकिन सिंपल तो है, लेकिन ये भी क्या है, बंद है। सिंपल भी है और बंद है, तो ऐसी को कहा गया है सिंपल क्लोज कर्व। यहाँ पर देखिए, सिंपल है या कम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि इसकी तुलना में जो है इसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। नीचे फिगर में आप देख पा रहे हैं ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या हुआ कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, दूसरे पॉइंट पे जाके एंड हो गया, लेकिन वो दूसरे पॉइंट जो है फर्स्ट पॉइंट से एडजेसेंट नहीं करता है। ओपन कर्व देखिए, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके एंड हो गया, ये भी क्या है, ओपन कर्व है। यहाँ देखिए, ये भी क्या है, ओपन कर्व है। ओपन कर्व समझ में आ गया होगा, जिसका एक मुख खुला हुआ होना चाहिए, जिसका मुख ओपन हो, जिसका माउथ ओपन हो, उसी को कहा गया है ओपन कर्व। और जिसका माउथ ओपन नहीं हो यानी पूरी तरह से बंद हो, ऐसे को कहा गया है क्लोज कर्व। तो आपको जो है कर्व के बारे में जानकारी हो गई, और क्लोज कर्व और ओपन कर्व के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है पॉलीगंस, ठीक है। ये पॉलीगंस क्या होता है, तो पॉलीगंस के बारे में बताया गया है कि पॉलीगन इज द क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय थ्री और मोर स्ट्रेट साइड्स दैट मीट इन पेयर इन द सम नंबर ऑफ वर्टिकल्स एंड डू नॉट इंटरसेक्ट अदर देन एट दीज वर्टिकल्स। यानी पॉलीगंस वह है जिसमें क्लोज प्लेन फिगर होगा जो बॉन्डेड होगा तीन से चार और स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, स्ट्रेट साइड से, एंड द मीट इन द प्लेन इन द सेम नंबर ऑफ वर्टिकल्स एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। लेकिन कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे अदर देन एंड दिस वर्टिकल्स। कोई भी वर्टिकल्स एक दूसरे वर्टिकल्स को इंटरसेक्ट ना करता हो, ऐसे को ही कहा गया है पॉलीगंस। तो देखिए, पॉलीगंस का एग्जांपल और इसका फिगर भी हम दिखाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगंस के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पार्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट पार्ट्स इसका है कि इंड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड वर्टिक्स। यानी कहा गया कि द इंड पॉइंट, इंड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड वर्टिकल। देखिए, अगर यहाँ पर ए बी अगर है, ए से बी या बी से ए, ए से बी, ए टू बी या बी टू ए,
तो ए इज द वर्टिक्स, बी इज द वर्टिक्स. वे नंबर सॉरी नेमिंग इन द पॉलीगन इट वर्टिकल्स आर नेमेड इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर आइदर क्लॉकवाइज और काउंट क्लॉकवाइज. उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कंसेक्यूटिव साइड. तो इसके बारे में बताया गया है कि कंसेक्यूटिव साइड आर टू साइड दैट हैव एन एंड पॉइंट इन कॉमन. द फोर साइड पॉलीगन इन फिगर बिलो कॉल्ड हैव बीन नेम ए बी सी डी, बी सी डी ए और ए डी सी वी. फॉर एग्जाम्पल इट डज नॉट मैटर विथ विच लेटर यू बींग इन द लॉन्ग इन द वर्टिकल्स आर नेमेड कंसेक्यूटिव साइड ए बी, बी सी आर एग्जाम्पल ऑफ कंसेक्यूटिव साइड. ए बी एंड बी सी इज कंसेक्यूटिव साइड. दे आर फोर पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड इन दिस पॉलीगन्स. पार्ट्स ऑफ द पॉलीगन्स. अब पॉलीगन्स के पार्ट्स कितने हैं तो देखिए बताया गया है कि डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज एनी सेगमेंट दैट जॉइन टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिकल्स फिगर. सो फाइव साइड पॉलीगन क्यू आर एस टी यू सेगमेंट क्यू एस एस यू यू आर आर टी एंड क्यू टी आर द डायगोनल्स इन दिस पॉलीगन्स. यानी यहाँ पर क्यू एस जो है आप देख सकते हैं क्यू एस एस यू यू आर आर टी क्यू टी ये सभी जो हैं पी क्यू आर एस टी यू का क्या है वो डायगोनल्स हैं. डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन कैन बी फॉर्म्ड विद द फार्मूला गिवन बिलो. अब यहाँ पर जो है डायगोनल्स में जो कितने बनेंगे, पॉलीगन्स में कितने डायगोनल्स बनेंगे फॉर्म्ड विद द फार्मूला गिवन बिलो, तो इसके लिए एन स्क्वायर माइनस थ्री एन बाई टू फार्मूला का यूटिलाइज किया जाएगा. ओके अब यहाँ पर जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन. जो पॉलीगन्स होते हैं उसका वर्गीकरण, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. तो बताया गया पॉलीगन्स फर्स्ट फिट इनटू टू जनरल कैटेगरीज. इसमें फर्स्ट में बात करें तो पॉलीगन्स में जो दो तरह के जनरल कैटेगरीज है वह है कॉन्वेक्स एंड नॉट कॉन्वेक्स. नॉट कॉन्वेक्स को यहाँ पर कॉनकेव भी बताया गया, जैसा कि लेंस में भी आपने स्टडी किया होगा. टू टाइप्स ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होता है, केव, केव या केव मीन्स धसा हुआ, वैक्स मीन्स उभरा हुआ, ठीक है. तो पॉलीगन इज द कॉनकेव इफ दे आर टू पॉइंट्स समवेयर इनसाइड इफ इट फॉर विच इज द सेगमेंट विद दिस इज द इन पॉइंट्स कट्स एंड लेस टू आर दिस साइड ऑफ द पॉलीगन. ए पॉलीगन दैट इज नॉट कॉनकेव इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, यहाँ पर अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स बताएंगे कि कौन सा कॉन्वेक्स होगा कौन सा कॉनकेव होगा. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स पेंटागन्स दिया हुआ है, उसके बाद कॉनकेव पेंटागन्स दिया हुआ है. दोनों में क्या फर्क है आप यहाँ आसानी से देख रहे हैं, ठीक है. एन इक्वालेटरल पॉलीगन इज द पॉलीगन इन विच ऑल साइड आर कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट पॉलीगन इज द पॉलीगन इज विच ऑल एंगल आर कॉन्ग्रुएंट. एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन दैट इज बोथ इक्वालेटरल एंड इक्वल इरेगुलर इनकॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. एंड इरेगुलर पॉलीगन इज द पॉलीगन दैट इज नॉट रेगुलर. अब यहाँ पर हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. पॉलीगन्स का और क्या क्या क्लासिफिकेशन में क्या क्या बातें आती है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉलीगन्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड बाई नाउ मेनी साइड और एंगल ऑफ वर्टिकल्स दे हैव. दे फॉलोइंग लिस्ट एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलीगन एंड द नंबर ऑफ साइड दे हैव. फर्स्ट ए ट्राइंगल. ए ट्राइंगल इज द थ्री साइड पॉलीगन. ट्राइंगल जो होता है तीन साइड का पॉलीगन्स होता है. एक क्वाड्रिलेटरल्स इज फोर साइड पॉलीगन. एक क्वाड्रिलेटरल्स जो होती है चार जो है फोर साइड का पॉलीगन होता है. नेक्स्ट है पेंटागोनल. पेंटागन
तो आप पेंटेगनल इज द फाइव साइड पॉलीगन, नेक्स्ट है हेक्सागनल तो हिज सिक्स साइड पॉलीगन, उसके बाद है सेप्टेंगनल तो है, और हेप्टेगोनल इज सेवन साइड पॉलीगन। इस तरह से यहाँ पर कुछ जो है पॉलीगन्स के नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट आता है रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, तो वे इन द पॉलीगन इज बोथ क्वाड्रिलेटरल्स एंड इनकैंगुलर, इट इज रेफर्ड टू द रेगुलर पॉलीगन। फॉर द पॉलीगन टू बी रेगुलर इन मस्ट ऑल्सो कन्वेक्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स के ट्राइंगल, थ्री साइड, क्वाड्रिलेटरल्स फोर साइड, पेंटागनल फाइव साइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कुछ रेगुलर पॉलीगन्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके, इसके बाद आते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। जो पॉलीगन्स होता है इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, तो बताया गया है इंटीरियर एड यानी 180 डिग्री इंटू एन माइनस टू। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। नोट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन कैन बी मोर और लेस दैन 360 डिग्री विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला गिवन बिलो। इसके बाद रहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती है, तो इसके बारे में बताया गया है एक क्वाड्रिलेटरल्स इज एनी शेप विद फोर साइड। द वर्ड क्वाड्रिलेटरल कम फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स क्वाड्री विच मीन्स अ वेरियंट ऑफ फोर एंड लिटरल विच मीन्स साइड, यानी जो चार साइड से घिर करके बना है उसे ही क्वाड्रिलेटरल्स कहा गया है। फोर प्रॉपर्टीज इसकी दी गई है, फर्स्ट विथ फोर साइड, विथ फोर एंगल्स, विथ फोर वर्टिक्स, विथ वन पेयर ऑफ द डायगोनल्स। ओके, पेयर में इसका डायगोनल्स होगा। क्वाड्रिलेटरल्स फर्स्ट पॉइंट इंटीरियर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स, देखिए यहाँ कुछ डायग्राम दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल्स जिसको ट्रापीजियम कहा गया, ये तीन प्रकार के पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रापोइज हो सकता है, काइट हो सकता है। तो यहाँ पर सबका डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ये कितने तरह के होते हैं। तो पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है इसका फिगर ये दिया हुआ, ये रेक्टेंगल है। इसका मीन्स होता है राइट एंगल एंड ये दोनों का जो साइन है सो इक्वल साइन को साइन कर रहा है, जैसे ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, ए रेक्टेंगल इज फोर साइड शेप वेयर एवरी एंगल इज राइट एंगल, यानी इसका प्रत्येक कोण जो होगा, प्रत्येक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। इसके कुछ कैरेक्टर है, फर्स्ट है अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, सेकंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, थर्ड द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रोम्बस, आर रोम्बस, रोम्बस ऑफ द फिगर इज, ये रोम्बस इज द फोर साइड शेप वेयर ऑल साइड हैव इक्वल लेंथ। सेकेंड पॉइंट ऑल्सो अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। थर्ड पॉइंट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट इन द डायगोनल्स द शेप लाइन इन द सेकेंड फिगर ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर इन द राइट एंगल्स। नेक्स्ट आता स्क्वायर। स्क्वायर इज द ऑल साइड इज इक्वल, देखिए यहाँ पर ये मीन्स होता है आपका राइट एंगल, ये होता है सो इक्वल साइड। तो ये स्क्वायर हैज इक्वल साइड एंड एवरी एंगल इज द राइट एंगल 90 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट ए स्क्वायर कैन बी थ्रू आउट एज द स्पेस केस और अदर क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ द एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट ए रेक्टेंगल बट विद द एडजेसेंट साइड इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट ए पैरेललोग्राम बट विद द एडजेसेंट साइड इक्वल एंड द एंगल ऑल 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट है रोम्बस बट विथ द एंगल ऑल 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट रहा था पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इज द क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड पैरेलल, ऑल्सो अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल इज द सेम एज द एंगल बी, द अपोजिट साइड आर इक्वल, द एडजेसेंट साइड
angle are supplementary and their diagonals bisect each other, but they are not equal. First point, it is the parent of the sum other quadrilaterals which are obtained by adding restriction of various kinds. Second point, a rectangle is the parallelogram but with all four interior angle fixed at 90 degree. Third point, a rhombus is the parallelogram but with all side equal in the length. Fifth point, a square is the parallelogram but with all side equal in the length and all angle fixed 90 degree. Trapezium. This figure is the trapezium, isosceles trapezium. First point, a trapezium is quadrilaterals which has the least one pair of the parallelogram side. Second point, it is the called the isosceles trapezium. It the side that parent parallel are equal in length and both angle coming from the parallel side are equal. Note, trapezium is UK terminology and US terminology is called as the trapezoid. This figure is kite, and the kite is a quadrilaterals whose four sides can be grouped into two pairs of equal length. Sides that are adjacent to each other, kite quadrilaterals are named for the wind blow fly kites, which often have this shape. First point, two pair of the adjacent side of the kite are equal in the length. Second point, one pair of the opposite angle, the ones that are between the side of an equal length are equal in size. Next point, one diagonals bisecting the other. Third point, fourth point, diagonals intersect at right angles. Quadrilaterals, and this diagram is the all quadrilaterals in the details. Thank you.